अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमा बाबर और आप देख रहे हैं टोनो 360 चैनल पर प्रोग्राम गपशप। जी हाँ, वही गपशप जिसमें होती है आपके मनपसंद मेहमानों से मुलाकात, आपके मनपसंद मौजूआत पर बात। और अगर आप भी हमारी गपशप के मेहमान बनना चाहते हैं तो इसके लिए कीजिए सीधी हमसे बात। लेकिन इसके लिए होनी चाहिए आप में कोई टैलेंटेड बात, और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे हम मिलकर आपके साथ। और नाज़रीन, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर बात। नाज़रीन इकराम, जो हम साउथ एशियन फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्फ क्रिएट प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। जी हाँ, देखिए, जब बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं भाई बेटा भी होना चाहिए, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम फिक्र करते हैं भाई इसका भाई भी होना चाहिए, और जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो हमें फिक्र होती है कि बच्चों के ए ग्रेड्स ज़रूर आने चाहिए, और जब ए ग्रेड्स भी आ जाते हैं तो हमें फिक्र होती है अभी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए ताकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन हो सकें। और जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन हो भी जाते हैं तो फिर हमें फिक्र होती है कि बच्चे या तो डॉक्टर बने या डेंटिस्ट बने या फिर फार्मासिस्ट बने। और इस दौरान में आप ये देखें कि हमने बिल्कुल नहीं पूछते कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, उनका रुझान किस तरफ है। और इस दौरान अगर बच्चे यूनिवर्सिटी में उनका कुछ साल ज़ाया हो जाए या वो सब्जेक्ट चेंज कर ले या उनकी सप्ली आ जाए तो पेरेंट्स को तो परेशानी होती ही है, लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि फलाने का बच्चा डॉक्टर बन गया, फलाने का बच्चा डेंटिस्ट बन गया, तुम क्यों नहीं बने, तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम थी। तो बच्चे एक तो अपने बहुत टेंस होते हैं यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत इश्यूज होते हैं। दूसरा, माँ बाप जब प्रेशराइज करते हैं तो इससे बच्चे गलत साइड पर निकल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं उनके क्या इश्यूज होते हैं, और हमें उनसे कैसे कॉपरेट करना चाहिए, उनसे कैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने या तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया है या किसी साइकेट्रिस्ट को बुलाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आज जो जिस पर्सनालिटी को मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है वो ना तो कोई प्रोफेसर हैं और ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हैं, बल्कि मैंने सोचा यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों की बात है तो क्यों ना उन्हीं में से किसी को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों को। और तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम में जो आज शख्सियत मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से उन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, और यूनिवर्सिटी के दौरान सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की उस टीम को उन्होंने लीड किया जो कि इलोन मस्क स्पेस एक्स के लिए क्वालिफाई हुई थी, और हम उनसे इस किस्म की डिटेल भी पूछेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं शहजाद लोन साहब। जी शहजाद लोन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गपशप। अस्सलाम वालेकुम नमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक ठाक, लेकिन मुझे लगता है आपने मुझे थोड़ी ज्यादा इज्जत दे दी, शहजाद लोन साहब कह के। अच्छा, साहब कह के क्यों? आप माशाल्लाह ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो साहब। चलो ऐसा करते हैं नाज़रीन, कुछ लोगों को इज्जत इतनी रास नहीं आती तो हम ये साहब वापस ले लेते हैं, तो आपको हम मुझे रोब से बुलाना चाहिए, शहजाद लोन। ये सब तो इंट्रोडक्शन चलते रहेंगे नमा जी, लेकिन आपने सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। अरे मेरे ख्याल में तो मैं सारा देख चुकी हूँ, आपने टॉप किया, और ना सिर्फ इन्होंने 97% भी ली थी हाई स्कूल में, और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने इन्हें एंट्रेंस स्कॉलरशिप भी दिया था। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, मेरा मतलब ये कि आप मेरी असली पुप्पू हैं। नाज़रीन, ये जो आज पर्सनालिटी मौजूद है माशाल्लाह, हसीनो जमील, हैंडसम, पढ़ाकू, लाइक फाइक, जो कि मेरे पे गया है, इत्तेफाक से मेरा नेफ्यू है। जी अब ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आपने लाइक फाइक और मेरे पे कह दिया ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि आप ज्यादा आपने थोड़ा सा गलत कलामी कर दी। बच्चे बात यह है कि अभी प्रोग्राम तो हमारा 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपने जाना मेरे साथ ही है, तो जो पटाई आपकी होनी है ना। नाज़रीन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट नेफ्यू है, और आज मैंने सोचा क्यों ना किसी अपने फैमिली मेंबर को बुलाया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के इश्यूज से अभी हाल ही में इसने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने कहा इससे पूछना चाहिए कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसा कि इसने बताया, लेकिन तुमने मुझे प्रोग्राम में फुप्पो नहीं कहना, तुमने नोमा कहना है।
सही है, वो सब तो बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे बाबा ने बताया था कि आपका जो टॉप है वो हमेशा नीचे से होता था, क्या ये बात ठीक है? अच्छा, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ मुझे कि तुम जब यूनिवर्सिटी में गए, तुमने टॉप भी किया, सब कुछ किया, क्या यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपके साथ भी कोई इश्यू नहीं, तुम्हारे साथ भी कोई ऐसे इश्यू विश्यू हुए? मेरे साथ भी जी बिल्कुल जैसे सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो ट्रांजिशन है यूनिवर्सिटी में वो सबसे मुश्किल होता है, तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी बातें हुई। लेकिन आई वुड से जो सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स को हिट करती है, जैसे मुझे भी हिट की, वो ये था कि जब आप हाई स्कूल से फॉर एग्जांपल निकल के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्पेशली तो आप पोजीशन होल्डर हो तो हाँ, तो जब आप हाई स्कूल में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, तो स्पेशली सही यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इस तरह के बच्चों को हायर करता है जिनके मार्क्स हाई हो, सही, तो यूनिवर्सिटी में आप पहुंचे, आपकी एवरेज थी लेट्स से इन माय केस 97%। माशाल्लाह। अब फर्स्ट टर्म के बाद मेरी एवरेज गिर गई 47%, अच्छा 47, यानी कि फिफ्टी आपकी नाइनटी परसेंट सेवन के बाद 47। अरे ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, फूफो से भी सारी सीक्रेट। बातें बताने की थोड़ी होती हाँ है। जब तुम्हारे अब्बा अब्बा भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो चीज छुपाओगे या सारी चीजें निकलेंगी। ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करने को मिलती है, स्पेशली मेरे प्रोग्राम में जो कंप्यूटर साइंस के अलग से प्रोग्राम है या इंजीनियर्स के प्रोग्राम है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी कि जब आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फ्यू टर्म्स जाओगे तो आपके वो हाई स्कूल वाले मार्क्स नहीं होंगे फॉर श्योर, अनलेस आपके बहुत बड़े कोई चीट ये हो। आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो या फिर आप नहीं सारों की जितने भी यंगस्टर हैं उनकी उनकी नुमाइंदा बन के आप आए हो? नहीं बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हैं वो यही बहुत यानी नॉर्मल हर है। हर जो बच्चा होता है यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा होता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। जी जी अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने मैथ में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आपने मैथमेटिक्स में कौन सी टाइप्स में आपने? या मैंने जब शुरू किया था ना यूनिवर्सिटी, तो शुरू में मैंने एक्चुअरियल साइंस में शुरू किया क्योंकि सही, उस वक्त आपको रिसर्च, उसका बड़ा क्रेज था, मुझे याद है। हाँ क्रेज था, हाँ लेकिन मैंने उस वक्त ना बस रिसर्च की हुई थी, तो मैंने था कि हाँ जी दुनिया में बेस्ट प्रोफेशन जो है एक्चुअरी है। 2013 उस ट्रेंड 2014 में चल रहा होगा ना? ट्रेंड चल रहा था कोई, और बहुत डिमांड भी थी ना, सही, बट द थिंग इज कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा वहाँ पे, तो क्यों, वो मैंने क्या रीजन होगी? रीजन किया कि बहुत ज़्यादा मैथ हैवी था ना, तो मैथ हैवी मैथ में में तो जनाब आप मास्टर थे। मास्टर था, बट जब मुझे जो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी नाजरीन, जब ये चूंकि मेरा नेफ्यू है, मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें पता है, तो जब ये बैक होम में था तो ग्रेड सिक्स में मैथ से इसको इश्क था, और मैथ में ग्रेड सिक्स में और एक मैथमेटिक्स में पूरा जो कंपटीशन हुआ था इसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी, और उसके बाद भी मैथ से आपका इंटरेस्ट रहा? या बेसिकली मैथ अच्छा था, बट वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैथ था, अच्छा उसमें आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज पढ़नी पड़ रही थी और अ लॉट ऑफ नॉन मैथ मैथ थिंग्स एज सही वेल, सही, बट उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर किया कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा शौक पैदा हो गया। फिर अच्छा उसके बाद मैंने देखा प्योर मैथमेटिक्स एक और फील्ड है, उस वो भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी, तो अच्छा मैं ये सारी फील्ड्स पढ़ना चाहता था। तो अच्छा बट द थिंग इज के जैसे मैंने आपको बताया मेरी फर्स्ट टर्म के बाद एवरेज बहुत गिर गई, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में स्विच करना इतना अच्छा ईजी नाइनटी नहीं है। सेवन से 47 जी आपकी जी आ जी गई। जी जी मैं वैसे तुमसे इतना इम्प्रेस होती रही कि मेरा जो नेफ्यू वो टॉप और टॉप नंबर ले रहा है, और ये तो फिर ये बताओ कि फिर क्या हुआ, तुम्हारी अम्मा अब्बा को पता चला? या उनको तो मैं बेसिकली अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ, तो अच्छा, मैंने ये अपने तो उनसे पेरेंट्स को, जाके, वो मुझे बहुत पता है आप छुपाते नहीं। सही है, अभी अभी वाह नाजी आप बहुत पूछ ले सारे रहे हो, पोल खुलने वाले आप हैं। भूल रही हैं, मैंने आपको भी बताई थी अच्छा ये मुझे भी बातें, बताया था, आपको भी बताई थी, मैं बहुत तुम ओपन ये हूँ अपने बताना मार्क्स चाहते के हो कि मामले मैं में, बूढ़ी हो रही हूँ कि मैं थोड़ा भूल? बहुत थोड़ा बहुत, अब हम जवान हो रहे हैं तो आपने तो बुरा होना ही नाजिन, है। अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ प्रोग्राम करने का ये बड़ा नुकसान होता है, सारे पोल खुलने लग पड़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट जब या फिर आप ये हुआ कि अब फर्स्ट 2 इयर्स मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि हाँ जी एक कोर्स फेल हुआ है, दो कोर्स फेल हुआ है, फेल पे फेल होते गए ना। ओह माय गॉड, या आपको पता है ना, मैं आपको एज ए रोल मॉडल आपको प्रोग्राम में लाई हूं ताकि आपकी बातें लोग सुने जी और उस जी पर फॉलो करें, और आप मुझे बता रहे हैं कि 2 साल बस, तो फिर टॉप आपका भी मेरी तरह ही हुआ ना नीचे हाँ से? अभी तक मैं आपकी तरह का नीचे से ही टॉप कर रहा था, लेकिन पिक्चर भी बाकी है मेरी पप्पो, अभी आ गया आप देख फोपो नमा जी अभी पिक्चर बाकी है, अभी आप देखे वैसे अब आगे तो नाजरीन को भी पता चल गया मैं तुम्हारी फोपो, तुम कह सकते हो। चले। अच्छा अब हुआ ये कि
मैंने कहा कि गौर करते हैं कि यार ये एक्चुअल इश्यूज क्या है, क्या चल रहा है। मैंने डिफरेंट चीजें ट्राई की, पढ़ा नहीं होगा तो इसीलिए तो सप्लीज आ रही होंगी। मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आप यही बोलेंगी, लेकिन नहीं। बेसिकली होता यह है कि हर बंदे की एक नॉलेज एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटी होती है। तो अब यह है कि मैंने हर चीज ट्राई की, मैंने कहा कि चलो सिर्फ अन्य वहां नोट्स लेते हुए देखते हैं कि क्या होता है। प्रोफेसर अब नोट लिखने बैठे तो प्रोफेसर की समझ नहीं आती, प्रोफेसर की सुनने बैठो तो आप नोट्स नहीं ले सकते, नोट्स रह गए। लेक्चर लिखते रहना चाहिए अभी, आप टीचर बोल रहे हो तो आप लेक्चर लिखो। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि फिर जब प्रोफेसर बोल रहा होता है तो वो जो बात कर रहा होता है ना, वो भी एब्जॉर्ब करनी आपको बहुत जरूरी होती है। तो अच्छा, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व ऐसे किया कि एक्सेसिबिलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपनी एक्सेसिबिलिटी डिपार्टमेंट में गया और मैंने उनको कहा कि नोट टेकिंग मुझे कोई बंदा है तो वो दे दे। अच्छा, तो वो आपको दे देते हैं, आपको थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ता है उनको। तो उन्होंने मुझे एक नोट टेकर दे दिया, उससे यह कि मैं प्रोफेसर की बात भी सुन सकता था और नोट्स भी मुझे मिल जाते थे। तो ये एक अच्छी चीज हुई। अच्छा, अब होता कभी कभी ये है कि आपका प्रोफेसर ही आपको नोट्स अपलोड कर देता है, आजकल ये ट्रेंड है। तो अब आजकल अच्छी बात ये है कि प्रोफेसर अपलोड कर देता है नोट्स और आप बस बैठ के सुने, तो उसे आप दोनों चीजों का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन पहले आपने आपने अपना जो पढ़ाई का स्टाइल है उसको चेंज उसको किया, चेंज किया नाज़रीन। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो है जिनकी सप्ली आ रही हैं या वो नहीं अपने पढ़ाई को मेंटेन कर पा रहे, कि हाई स्कूल में उनके बहुत अच्छे मार्क्स से आहिस्ता से आहिस्ता जैसे शहजाद की तरह जो है वो परसेंटेज नीचे आती चली गई, तो सबसे पहले इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपने गलती की कहाँ पर। तो जैसे हमारे जमाने में, अब तो मैं यही कहूँगी जहरा आप बैठे हुए, हमारा जमाना ही बोलूंगी, कि हम लोग नोट्स जो है ना लेक्चर लिखा करते थे। अब तुम कहोगे कि ये पुराने जमाने की बात है, ये पुराने जमाने की बात अच्छा है। आपको पता है जितने बड़े बड़े फिलोसोफर जिन्होंने टॉप किया, जिनके जो साइंटिस्ट है, वो नोट्स लिखकर लेक्चर लिखकर ही कामयाब होते थे। आजकल तो इतना इजी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चे, मैं आपके कि मुझे भी बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, अपने नेफ्यू मेरा बैठा हुआ है और उसको अच्छी खासी नसीहतें करने का, कैमरा सामने वो बोल नहीं सकेगा कि गूगल गूगल ने बिल्कुल बच्चों को नकम्मा बना दिया। मैं तो यही कहूंगी हर चीज, जो भी चीज, हम लोगों के जमाने में तो हम किताबें ढूंढते और उसमें से निकालते थे, लेकिन आप लोग गूगल में डाला जस्ट और ले लिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में, वो दौर अच्छा था या अब अच्छा है? या आई वुड से कि इसमें भी एक चीज दिमाग में रखने की ये है कि अब जो नॉलेज आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में वो बिल्ड होती जा रही है आगे आगे, राइट? तो जो लच्चा आप उस जमाने में पढ़ते थे, आपका जो स्टाइल होता था उस जमाने में, मतलब ये नहीं, मतलब कि 100 साल पहले जब आप यूनिवर्सिटी में थी तो 100 साल, देखो सर 100 साल, कंटेंट भी चेंज हो रहा है ना, कंटेंट भी चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमें वॉक करना चाहिए, राइट? तो ये है कि एडवाइस टू पेरेंट्स ये होगी कि आप प्लीज अपने बच्चों को हेल्प करें रादर देन मेकिंग द सिचुएशन वर्स फॉर देम, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर इन माय केस, मैं अपना केस देख के बोलता हूँ कि मैंने एक्सप्लोर किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? अच्छा, इधर से नहीं हुआ। अब मैं कंटिन्यूइंग द स्टोरी, 2 साल बाद मैं आखिरी अटेम्प्ट पे रह गया था कि अब मेरी रह गई आधी आधी पोल खोलोगे तो सुन ले स्टोरी थोड़ी सी कितने पोल खोलोगे थोड़ी सी सुन ले। अच्छा, तो हुआ ये कि अब आधी यूनिवर्सिटी रह गई है और मैंने अटेम्प्ट पूरे कर दिए, एक भी फेल हुआ कोर्स, तो मैं निकाला जाऊंगा यूनिवर्सिटी। मेरी तो हार्ट बीट तेज हो रही है कि नेक्स्ट जो तुम मुझे बातें बताओगे, जो नेक्स्ट बात होगी वो कितनी शॉकिंग न्यूज होगी मेरे लिए भी, आपके अम्मा बाबा के लिए भी, और जितने भी रिलेटिव्स, आपकी दादो नानो सब प्रोग्राम देख रहे हैं। तो उनको हम दिखाएंगे नहीं ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, तो पहले मैंने आपको सोल्यूशन बताया, मैंने क्या किया कि लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट किया, सही। उसके बाद फिर यह है कि आपको जो आप चीजें लर्न करते हैं ना क्लास में, उसको अप्लाई करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया कि इनको अप्लाई किया डिफरेंट चीजों में। मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप की, उसमें यह है कि मुझे एक्चुअली अप्लाई करने को मिली ये चीजें। उसके बाद मैंने एक टीम है, हाइपरलूप टीम वाटरलूप की, उसका नाम है वाटरलूप। तो हम लोगों ने कम्पीट किया इलोन मस्क के स्पेसएक्स कॉम्पिटिशन में और हम एक्चुअली क्वालिफाई किए उनके कॉम्पिटिशन के लिए, और वहां पे भी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई, हमें लर्निंग करने को मिली। तो आप स्टडीज के साथ साथ आपने ये चीज शुरू कर दी? जी, स्टडीज के साथ। तो मैंने क्या किया, जो एक और सोल्यूशन है जो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल होगी ये बात देखने के लिए, कि मैंने अपना कोर्स लोड ड्रॉप कर दिया। तो कोर्स लोड 5 जरूरी नहीं है कि 5 के 5 कोर्सेज ही लेने हैं, 3 कोर्सेज ले सही कसर इसमें पूरी कर दी। हाँ, 3 कोर्सेज लें, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से समझें कोर्सेज को और पास करें, राइट? थोड़ा थोड़ा करके, यानी जरूरी नहीं कि 4 इयर्स में आपने खत्म कर दिया। लेकिन अगर तो लड़का है
उसकी तो शादी जाहिर है लेट होनी होती है, वो तो 6-7 साल लेकिन जो लड़की उनकी जाहिर है शादी करनी होती है वो इस तरह 6-7 साल लगाएंगे। वैसे लड़कियां वैसे भी शहजाद मेरी बात को मानो इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, मान लिया बिल्कुल सही है, लेकिन लड़कियां ना पुप्पो है नहीं यहाँ पुप्पो का कोई जिक्र नहीं है अच्छा क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट पेरेंट्स से सीखना चाहिए, क्योंकि व्हाइट पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि हे माय लिटिल किड हाउ इज इट गोइंग, ओ यू आर अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड, इट्स ओके, वी विल गेट यू सम थेरेपी, टेक इट इजी, डोंट वरी अबाउट स्टडीज, इट्स ओके, पुट इट ऑन अ ब्रेक। हम देसी पेरेंट्स कहते हैं मुश्ताक साहब की बेटी को देखो वो क्या कर रहे हैं, उनकी बेटी, तुमने भी लगता है ऐसा ही बोला होगा। नहीं देखे मुश्ताक साहब की बेटी, अब ये कौन बताया कि मुश्ताक साहब की बेटी को ही तो देख रहे थे जो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। आपको पता है कि फैमिली शो है। अच्छा फैमिली शो है तो नाज़रीन शहजाद से तो बातें चलती रहेंगी और अब एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी जल्दी हम वापस आएंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शहजाद हमसे शेयर करेंगे। चूंकि मेरा फैमिली मेंबर है तो नोक जोक टसल और इस तरह की गुफ्तगू और बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम आज आपको देखने को मिलेगा, तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप नोमा के साथ 2360 चैनल पर। और नाज़रीन आज हमारा टॉपिक जरा हटके है भाई, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के साथ क्या इश्यूज पेश आते हैं और क्यों वो यूनिवर्सिटी जो है वो करने से रह जाते हैं, तो इसके लिए उनकी नुमाइंदा बनके जनाब शहजाद लोन साहब, मैं फिर कहूंगी जो कि वो कहते हैं कि मुझे साहब ना कहा जाए, तो भाई शहजाद लोन उनसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से तोड़ा था। जी शहजाद ये बताओ कि साहब मेरे मुंह से वैसे निकल जाता है, वैसे तुम इतनी इज्जत के काबल तो नहीं हो लेकिन चूंकि मेरे प्रोग्राम में गेस्ट हो मुझे साहब कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अच्छा शहजाद ये बताओ कि फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन तुम्हारी कैसे हुई, जब इतनी सप्लीज भी आ रही है, तुम सब्जेक्ट भी चेंज कर रहे हो, तो फिर कैसे? अब तुम्हारे पास 2 साल, तुमने 4 जो तुम बता रहे थे कि एग्जाम्स तुमने फेल किए, अब बाकी तुम्हारे पास 2 एग्जाम है और कोई चांस नहीं है कि सपनी आने का, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने लर्निंग स्टाइल चेंज किया, इंटर्नशिप्स की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बात तो ये है कि सीख ली कि लेक्चर में बैठेंगे प्रोफेसर जो भी बोलेगा बोले दो, ऊपर से जाएगा कोई टेंशन नहीं है, आपने लेक्चर के बाद टाइम स्पेंड करना है अपना, उस चीज को समझने बेसिक चीज वो है सही। क्योंकि हाई स्कूल की तरह नहीं है कि हाई स्कूल में टीचर जो भी बोलेगा सब कुछ समझ आ जाएगा, ऐसे नहीं है, लेक्चर के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए उसको। तो आई थिंक दैट कंट्रीब्यूटेड वेरी सिग्निफिकेंटली टू माई ग्रेजुएशन। तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि जब आपने अपना जो पढ़ाई का स्टडी करने का स्टाइल को चेंज किया, ये नहीं कि वो रट्टू तोता लगा हुआ है जो लिखा वो ये हुआ तो उसको फौरन लिखना शुरू किया, तो तुमने उसको चेंज किया, तो फिर कोर्सेज कम लिए, उसके बाद इंटर्नशिप्स की और एक्सपीरियंस हुआ एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि आखिरकार ग्रेजुएशन हो गया माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आपके अपने जो इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स थे उनमें कोई आप बात शेयर करना चाहे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, ताकि हमारे वो नाज़रीन जिनके बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम्स हो तो वो उससे कुछ मेरी यूनिवर्सिटी वाटरलू का जो एक्चुअल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है हमारी प्रोग्राम में एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स है। पेरेंट्स का ये कि आई मीन पेरेंट्स जाहिर सी बात है ये तो नहीं कहते सुसाइड करें बच्चों को, बट द थिंग इज कि पेरेंट्स को जितनी एटलीस्ट हमारी देसी कम्युनिटीज में जितनी हेल्प करनी चाहिए वो उसको वर्स्ट सिचुएशन कर देते हैं। आप किस किस्म की सपोर्ट हम पेरेंट्स से चाहते हो, देसी पेरेंट्स से चाहते हो? या लाइक आई सेड व्हाइट पेरेंट्स से हमें सीखना चाहिए। व्हाइट क्या सीखना चाहिए वो तो हो गया, लेकिन हम उन्हें कैसे, हम कहे चलो जी सप्ली होगी कोई मसला नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे कहें उनको? नहीं, आप उनको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट करें। लेट्स से जब एक और जो शॉक लगता है आपको वो ये कि अब आपने अकेले रहना है, लेट्स से यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स अकेले रहते हैं, तो उनको आप कुछ साल पहले इंडिपेंडेंट करना सीखें कि हाँ जी अगर वो किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो उनको जाने दें। मेरे ख्याल में आपको टेंपर कम करें उनको, आपको ट्रिप पे जाने नहीं दिया था। मेरे साथ ऐसा कोई इशू था नहीं, लेकिन मैं हाँ, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। एक बच्चा था ना, वो देखिए आपके हाथ में थोड़ी सी कंट्रोल होता है एज अ स्टूडेंट, तो एनीवेज एक बच्चा था वो फेल हो गया है क्लास, यूनिवर्सिटी का बच्चा था यूनिवर्सिटी का बच्चा था वो फेल हो गया है क्लास, ठीक है।
वो घर गया वापस घर में, उन्होंने उसको बहुत डांटा, उन्होंने कहा कि यार बेटा ये क्या किया तुमने, अब नहीं फेल होना। दोबारा गया अगली सेमेस्टर फिर फेल हो गया, फिर उसको पेरेंट्स ने कहा अब नहीं फेल होना। अब उन्होंने कहा अब अगर तुम फेल हुए ना तो मुझे बाप ना कहना, सही है, मतलब प्रेशर दिया उसको। अब जाहिर सी बात है प्रेशर दिया तो बच्चे को ये होगा कि अब तो मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। एनीवेज बच्चा फिर गया यूनिवर्सिटी। अच्छा फिर उसने कोर्स किया तो घर आया वापस तो उसके अब्बू ने पूछा हाँ भाई कैसा गया एग्जाम, कहता बस मुश्ताक मत पूछो मुझसे जैसे हम लोगों ने अपने जहन में बच्चों को सुपर हीरो हम समझते हैं और हम कहते हैं कि बच्चे डॉक्टर्स बने इंजीनियर्स बने, तो आपका ये ख्याल है कि हमें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो बच्चों को देने चाहिए कि बच्चे खुद सोचे और करें। आप बिल्कुल आप बोलें कि हाँ देखो मैं चाहता हूँ कि आप ये बनो ये नहीं बनो, ये कम्युनिकेट करें, बट एट द एंड द डे बच्चे को चॉइस दें कि हाँ जी जो वो खुद करना चाहता है वो खुद सीखे। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों को खुद नहीं पता होता वो क्या करना चाहते हैं। इन माय केस मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने गया मैंने डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर करने दें बच्चों को, खुद डिसाइड करने दें। फेलियर पहले दो फेल हूँ हाँ जी कि हाँ जी मुझे कोर्स नहीं पसंद आया, मजा नहीं आया इस कोर्स का, फिर मैं क्या करूँगा अगली चीज पर ट्राई करूंगा। जब तक मुझे हिट नहीं होती कि हाँ जी इन माय केस फॉर एग्जांपल कि हाँ जी मुझे ये चीज करनी है, फिर मुझे पता लगा कि हाँ जी मैं ये करूंगा, तो कभी कभी बच्चों को खुद नहीं पता होता। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि शुरू में बच्चा जो कि अगर उसकी 98% आइए 97% आइए तो वो मुझे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं इसलिए तुम तमाम यंगस्टर्स को इस वक्त जो है वो कर रहे हो नुमाइंदा हो इसलिए, तो वो ये है कि उसके बाद जब कुछ सब्जेक्ट आप देखते हो, जैसे आपने बताया कि आपके पास मैथमेटिक्स था, एक्चुअरियल साइंस थी आपके पास, एक्चुअरियल साइंस थी स्टार्ट में, स्टार्ट में थी, लेकिन जब आपने देखा है यार ये बड़ा मुश्किल है चुपचुपीते दूसरे सब्जेक्ट चेंज करते, मुश्किल भी नहीं इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था ना मेरा, इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, फिर कंप्यूटर साइंस में गए, कंप्यूटर साइंस में देखा कि कंप्यूटर साइंस में असल में मुझे पसंद बहुत था। अच्छा ये भी एक लर्निंग लेसन है कि ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन मुझे वो पहली चीजें आती थी, तो मैंने क्या किया मैंने कहा वो चीज सीखते हैं पैसे भी दे रहे यूनिवर्सिटी में कि जो एक्चुअली नहीं आती, वो था प्योर मैथमेटिक्स, तो फिर मैथमेटिक्स सीखनी शुरू की। तो एंड में मेरी जो डिग्री है वो ये थी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में माइनर, कंप्यूटर साइंस में माइनर और एंटरप्रेन्योरशिप में माइनर। मैं टेक स्टार्टअप्स के अंदर मुझे बहुत शौक हुआ तो मैं उस स्पेस के अंदर चला गया। सही। अच्छा आपके 4 या 5 साल जितना आपने पढ़ा जी, उसमें आपने कोई ऐसे केसेस ऐसे इश्यूज अगर आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन के सामने जो आपके सामने हुए जैसे आपके ग्रुप में हो गया या आपने तो क्या मेजर इश्यूज थे? या मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन एक जिससे मैंने जोक सुनाया वो तो जोक था लेकिन इन ऑल सीरियसनेस एक इस तरह के सीरियस केसेस भी होते हैं। एक बच्चा था वो फेल हो गया ठीक है, उसकी सप्ले आ गई तो वो उसके पेरेंट्स जो हैं देसी पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ये क्या है तुम तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तुम्हारा ये नहीं है, तो वो उल्टा ब्लेम करना शुरू हो गया उसको रादर देन हेल्पिंग सपोर्ट हिम। तो इस तरह के तो काफी ज्यादा केसेस हैं, भरे पड़े हैं यूनिवर्सिटी। और आप बता रहे थे उस शायद हार्ट अटैक इसी को बेटी हो बेटा हो, और मैंने देखा है कि क्योंकि जो हमारे फिर मैं बोलूंगी बकौल शहजाद के देसी पेरेंट्स जो होते हैं उनकी पूरी नजरें जो हैं वो बेटियों की तो शादियां कर देनी होती हैं बेटों की तरफ लगी होती हैं, और हम देखते हैं किसी फलाने का बच्चा देखा कि जैसे शहजाद ने बताया कि मुश्ताक साहब का बेटा जो है वो बेटी जो है वो डेंटिस्ट बन गई है, तो इस किस्म की आपका अपने बच्चे का जो जहन होता है, मैं ठीक कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल, क्योंकि घर भी जाना है तुम्हारे साथ। हाँ, जी, जी। तो ये है कि इन चीजों को हमें जो है समझना चाहिए कि हर बच्चे का जहन एक जैसा नहीं होता। अच्छा शहजाद अब माशाल्लाह आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और बड़ी एक अच्छी कंपनी पे आपको जॉब भी मिल चुकी है, और ये मुझे पता है कि जब पहली पे मेरे नेफियो को मिलेगी, अभी तो इनकी जॉब स्टार्ट हुई है, तो फुफ्फो को क्या लेके दोगे ये तो बताओ जरा। फुफ्फो जो भी चीज जिस चीज में हाथ रखेंगी ना बस वही चीज में लेके दो बड़े अफसोस की बात है, पूरे तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पता चला। और वैसे नाज़रीन जब मेरी शादी हुई थी
ये बहुत ही छोटा सा था और ये मेरे पीछे बीमार हो गया था। मेरी फूफो की शादी हो गई और ये रोता रहता था और मेरे हस्बैंड के साथ यानी अपनी फूफा के साथ बिल्कुल भी वैर लगा लिया था ये मेरी फूफो को लेकर। अब देखे जरा वो बचपन की बातें थी, बहुत अनफॉर्चुनेट डेज थे वो। ओह माय गॉड। अच्छा शहजाद, अब माशाल्लाह आप अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर्स के प्लान, करियर, करियर वाइज पूछ रही हैं आप? किस किस वाइज? बच्चे, मैं तेरी शादी के बारे में पूछ रही हूँ, किस किस्म की लड़की चाहते अच्छा, हो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कैसी होनी चाहिए? सुगर होनी चाहिए, पढ़ाकू होनी चाहिए, इंजीनियर होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, या फिर कंप्लीटली हाउस वाइफ होनी चाहिए? आप क्या सोचते हो कैसा फ्यूचर पार्टनर होना चाहिए? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बेसिकली आधा काम हो गया, कपड़े भी मैं आपको बोलूंगा सिलवा लें, मेरे भाई ने भी सिलवा लिया, अम्मी ने भी सिलवा लिया। तो तुमने बना के देने हैं ना हमें कपड़े सारों को? चलो मैं भी बना दूंगा। बेसिकली आधा काम हुआ है। अच्छा, हुआ ये है गाली मुक्की? हाँ, स्टेज भी बुक हो गया, सब बुक हो गया। बेसिकली ये है कि सिर्फ नोरा फतेही मान नहीं रही। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, सीरियसली मैं भी आपको सीरियसली ही बता रहा हूँ। मेरा ख्याल में आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं ना, हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था। आपके पेरेंट्स तक भी पता चल जाता कि शहजाद जो है वो कहाँ शादी करना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी में पसंद है। हमें कोई इतराज नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। नहीं, अभी कोई इस तरह का कोई कभी रुझान हुआ ही नहीं। अच्छा चले, अब ये बताएं करियर वाइज आप आगे क्या? करियर वाइज ये है कि इस वक्त मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, अच्छा तो एंटरप्रेन्योर स्पेस में मैंने आपको जैसे बताया मेरा शौक है, सही। तो आई जस्ट वांट टू वर्क विद स्टार्टअप्स। एंड अगर कोई अपना स्टार्टअप चल गया तो वो भी चल गया, इंशाल्लाह बट जरूर चलेगा। मुझे अभी ब्लॉकचेन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अभी जिस मैं कंपनी पर काम कर रहा हूँ, हम लोग ब्लॉकचेन और सिक्योरिटी की तरफ एक डाटाबेस बना रहे हैं, अच्छा, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में ये करने का प्रोग्राम या है? अभी एक नेक्स्ट वेव है इंटरनेट। बेसिकली जो हमारा करंट इंटरनेट है ना, वो है वेब 2.0। सही। तो वेब 3.0 आ रहा है। तो अच्छा वेब 3.0 के अंडर जो भी स्पेस है ना, वो काइंड ऑफ ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग के ऊपर है। सही। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है आपका नीचे से टॉप था, तो घर घर चलो सही। लेकिन बेसिकली ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर मेरा ज्यादा शौक आजकल सही बढ़ रहा है। जी सही। जी यानी आप ये कह रहे हो कि फूफो के ऊपर से गुजरी है बातें। जी जी बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मैं तो चाहूंगी आप बहुत तरक्की करो और बहुत ज्यादा नाम कमाओ यहाँ कनाडा में, और हमें फख्र हो तुम पर, हम सबको फख्र हो। तो शहजाद, मैं चाहूंगी इस वक्त बहुत सारे लोग, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, आपके दोस्त सब प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई अच्छा सा मैसेज पहले पेरेंट्स के नाम फिर स्टूडेंट्स के नाम। या पेरेंट्स के नाम यही है कि पेरेंट्स आप प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें रादर देन उनकी सिचुएशन वर्स कर दें। आपके जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उनको इतना उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखें कि वो आपको हर चीज बताएं, रादर देन कि आपसे बातें छुपाना शुरू हो जाएं। सही तो वो तभी आएगी जब आप कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखेंगे उनके साथ, उनको सपोर्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करें, रादर देन ओवर प्रेशराइज करें उनको, ताकि वो आपके साथ ऑनेस्ट जो हो। स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी आपको अच्छा सा मैसेज दें कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत, जब बच्चा हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाता है, बहुत आज़ाद माहौल होता है। तो आप उनके लिए भी कोई अच्छी सी नसीहत, जो आप पर बीती वो नहीं, सही वाली नसीहत दें। या फॉर स्टूडेंट्स ये है कि एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप ये देखो कि आपका शौक किस तरफ है आप, और अगर आपको जब शौक मिल गया है तो वर्क हार्ड और उस चीज के अंदर घुस जाए लिटरली। मतलब डजेंट मैटर आपको डिसिप्लिन, ऑब्वियसली डिसिप्लिन में रहें, बट यूट्यूब करें चीज को, गूगल करें, अंदर घुस जाए उस चीज के, बंदा ढूंढे कि किसको जाके हम किससे बात करें तो हमें इस चीज के बारे में और सीखने को मिलेगा। और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लें, इंटर्नशिप्स करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, अपना स्टार्टअप खोल लो, कोई भी चीज पसंद है उसके, आई लिटरली मीन दिस, उसके अंदर घुस जाए। तो नाज़रीन, आपने शहजाद की बातें सुनी, शहजाद बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो आपने हमें नाज़रीन को बताई है। बहुत सारे पोल जो हम फैमिलीज को नहीं पता था, हम आपकी पूरी फैमिली फूफो समेत, वो भी हमें मालूम हुई, और अब जो घर जाके आपका तवा लगेगा वो आप ही जानते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसी किस्म के प्रोग्राम में आपको फिर बुलाएंगे। और हमारे नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए शहजाद जो है वो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, और किसी दिन हम अपने किचन कॉर्नर में शहजाद लोन को ज़रूर बुलाएंगे और उनके खाने की जो रेसिपीज़ हैं उनसे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया,
और आपने अपनी कीमती टाइम में से, जो हर वक्त आप वेले बैठे रहते हैं उसमें से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर इसी किस्म के प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू नमा पुपो, आपका आपने मुझे बुलाया और आपका हमारे घर के अलावा भी कई इंटरेक्शन हुआ स्टूडियो में। या आई वुड लाइक टू थैंक योर होल टीम, योर गपशप टीम, एंड आई वुड लव टू कम बैक इफ यू विल हैव मी। ओके शहजाद, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। और नाज़रीन, आज आपको मुझे उम्मीद है प्रोग्राम से बहुत इंजॉय किया होगा, बड़ी मज़े की बातें शहजाद ने हमसे की, बहुत सारी घरेलू बातें भी हमने आपके सामने की और उम्मीद है आपने उससे भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स दो प्रोग्राम के सामने बैठे हों तो फिर गपशप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। नुमा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।